नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। रीवा जिले की सबसे हॉट सीट सिमरिया विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर जनता ने KP त्रिपाठी के विकास कार्यों को लेकर अपनी राय दी है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मीडिया से चर्चा के दौरान सिमरिया की जनता ने विकास को लेकर फिर से विधायक बनाने की बात कही। जनता से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई कार्य उनके अथक प्रयास से किए गए हैं, जिनमें सड़क और स्वास्थ्य के लिए सिविल अस्पताल सहित आवारा मवेशियों से निजात के लिए पशामन मामा गौशाला निर्माण सहित कई विकास कार्य किए गए हैं। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। मैं सिमरिया का ही निवासी हूँ, जिला पंचायत का। भाजपा के विधायक रहे KP त्रिपाठी, कितना विकास हुआ? बहुत सारा। जब मतलब अभी तक ये तीसरी पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी के, जो सिरमौर से कटने के बाद जब सिमरिया विधानसभा, तो दो पंचवर्षीय में भी जितना कार्य हुए जितना इस बार, मतलब पंचवर्षीय में, मतलब 15 महीने ये मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने हमारा कोरोना काल चला गया, तो मतलब हमारा 3 साल तो बर्बाद हो गया। 2 साल जिस व्यक्ति को बचा और 1600 करोड़ की योजना बजट लाकर यहाँ स्वीकृत करने के बाद और उसको रनिंग दे दिए हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं 1.5 साल कार्यकाल। अभी हमारे वार्ड क्रमांक 14 में ही 40-45 बेड का निर्माण हो रहा है सिविल हॉस्पिटल, 44 करोड़ के लगभग। युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए बहुत सारा किए, देखिए आपके नवीन महाविद्यालय है सिमरिया में, और मतलब ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में उससे अच्छा नहीं हो सकता नवीन विद्यालय। हमारे नवीन विद्यालय पर जो देखे सुंदरता, तो वास्तव में अंदर से खुशी उसको लगे। कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही है? नहीं, अरे नहीं भैया, भाजपा बहुत ऊपर है, कांग्रेस सिर्फ हवा भाई, वो भी रोड में है, वो भी रोड में, जो उनके नाम मतलब वो जो उनके लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग सिमरिया में, बाकी उनके साथ जनता नहीं है। अब 2-4-10 आपको मिल गए होंगे, अबे वो अलग बात है, पर जो ग्राउंड लेवल है तो उनका कहीं भी पता रहता नहीं है, मतलब जन आक्रोश को कोई असर नहीं। अरे कोई, अरे भैया ये कहिए, कुछ दिन उस डाली में तो कुछ दिन इस डाली में, फिर वो खुद उग के गए, तो क्या बेवकूफ है जनता सिमरिया विधानसभा की? और वही विधायक है ना जो सिमरिया की जनता को एक बिकाऊ का ठप्पा लगा था, आज वो सिमरिया की जनता को, जो वर्तमान विधायक, उनके मूल्यों को संरक्षण देकर उनको मतलब ये दाग हटा रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को हम खोना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्याधर द्विवेदी है। सिमरिया निवासी वार्ड क्रमांक 2 के पोलिंग बूथ अध्यक्ष हैं, और चल ठीक है 5 मिनट के अंदर विधायक जी का कार्यकाल जो भी है, तो काम लगभग पहले हो चुके हैं और कुछ काम पेंडिंग में हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि किसी मजबूरी बस कोरोना कार्यकाल में जो नहीं हो पाया वो भी काम संभवता है कि हो गए, सेंसन हो गए हैं, तो चुनाव के बाद वो होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार क्या व्यवस्था है यहाँ? हमारे हिसाब से जो हमको जानकारी है, तो CM राइज में भी अच्छी व्यवस्था है और नवीन विद्यालय में भी अच्छी व्यवस्था है, और जो थोड़ा बहुत अभी नहीं हो पाई व्यवस्था तो वो चुनाव बाद होगी। युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ किया विधायक जी ने? युवाओं के लिए भी काम हुआ है जितना हो सका है अपनी तरफ से, और किसानों के लिए भी नहर वहर का जो काम है सिंचाई का वो भी कंप्लीट है, और जो नहीं हुआ तो वो सेंसन हो गया है। भाजपा और कांग्रेस में क्या मानते हैं? हमारे हिसाब से अभी जो कुछ भी लहर है, तो अभी पब्लिक का डिसीजन नहीं है कोई क्लियर, हवा है सर। हाँ, चुनाव जो नज़दीक में आएगा लगभग 10 तारीख के बाद ही पब्लिक डिसीजन लेगी कि किसको देना किसको नहीं देना। इस बार किसका चेहरा मानते हैं विधायक में सामने होगा? मैं तो मानता हूँ KP त्रिपाठी जी का, भारतीय जनता पार्टी से। क्या नाम है आपका? विद्याभूषण।